आज हम दिल्ली के सारे विधायक, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, पूरी हमारी कैबिनेट आज हम सड़कों पर है। किस लिए आए हम सड़कों पर? हम सिर्फ सड़कों पर इसलिए आए हैं कि हमारी दिल्ली की महिलाओं की, हमारी बेटियों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे व्यापारियों की, हमारे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, और इसकी मांग को लेकर आज हम एलजी साहब से मिलने के लिए आए हैं कि एलजी साहब, दिल्ली सरकार अपने फंड से, आपसे पैसे भी नहीं मांग रही है, दिल्ली सरकार अपने फंड से सरकार जो है दिल्ली में चप्पे चप्पे पर बेटियों की, बुजुर्गों की, युवाओं की, छात्राओं की सुरक्षा तय करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रावधान कर रही है। मुझे समझ नहीं आता आप इसके अंदर क्यों रोड़ा बनकर बैठे हैं। एलजी साहब, आप खुद आज जिस दफ्तर में बैठकर इस चौक पर क्या हो रहा है, इसकी निगरानी जिसके माध्यम से कर रहे हैं, वो तमाम सीसीटीवी कैमरा है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसके जस्ट ऊपर कैमरा है, सामने देखिए, सचिवालय से सामने की रोड जाती है, वहां पर सीधा कैमरा है, मेरे सीधे हाथ पे कैमरा है। एलजी साहब जो तथाकथित अपने आप को दिल्ली का मालिक समझते हैं और बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के इशारे पर तमाम दिल्ली के सरकार के प्रोजेक्ट्स को अटकाते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा की इतनी चिंता है कि चारों तरफ कहां से गाड़ी आएगी, कहां से जाएगी, चारों तरफ कड़ी निगरानी करते हुए आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। लेकिन एक झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिला, एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा, एक सरकारी अस्पताल में जाने वाली कोई माँ, बहन, बेटी, रात को 6 बजे के बाद निकलने वाली और किसी महिला की आपको सुरक्षा की चिंता नहीं है, लेकिन आपको अपनी सुरक्षा की बहुत चिंता है। एलजी साहब, आप शायद भूल रहे हैं इस बात को कि जिस जनता की पैसे से आपका ये पूरा सचिवालय चलता है, जिस जनता के टैक्स से एलजी के पूरे स्टाफ की सैलरी जाती है, आपका खाना पीना सब कुछ जिनके टैक्स से होता है, वो दिल्ली की जनता है, और दिल्ली की जनता को इस समय सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। उस समय जब देश में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और उत्तर से लेके दक्षिण तक 8 दिन की बच्ची, 8 महीने की बच्ची, 12 साल की बच्ची या 80 साल की कोई वृद्ध महिला, कोई नहीं बची जिसके साथ कुकर्म ना होता हो, ऐसा कोई वृद्ध नहीं बचा जो अकेले रहते हैं, उनकी चोरी या लूटपाट की वजह से दिन दहाड़े या रात के अंदर हत्या ना की गई हो, ऐसा कोई भी मुझे लगता है व्यापारी नहीं बचा जिसकी दुकानों पर लूटपाट नहीं मची। अगर दिल्ली की सरकार अपने क्षेत्र की जनता, अपने दिल्ली वासियों के सुरक्षा को लेकर इस तरह मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट, सारे हमारे विधायक अगर बैठकर, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार यहाँ पर बैठकर, चुने हुए प्रतिनिधि बैठकर सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए सीसीटीवी मुहैया करवाए, तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है? मैंने देश में आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा जो महिला सुरक्षा के लिए 42 डिग्री की तपती धूप में सड़क पर आके बैठे। हम 3 बजे से एलजी साहब आपके दरवाजे पर आकर खड़े हैं, आपसे हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, हमारी छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए आप हमारी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने दें। आपको कौन रोकता है? आपके घर में भी आपकी बेटियां होंगी, आपके घर में भी महिलाएं होंगी। मैं खुद एक महिला जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा क्या कसूर है? मैं 2 बार विधानसभा में जीत कर आई हूँ, लेकिन आप आज मुझसे ऐसे मिलने के लिए मना कर रहे हैं जैसे मैं कोई गुंडी हूँ, कोई बदमाश हूँ, कोई आतंकवादी हूँ। आज आपके दरवाजे पर सिर्फ 70 विधायक नहीं खड़े, दिल्ली सरकार की कैबिनेट नहीं खड़ी, दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं खड़ा, ये पूरी दिल्ली की जनता खड़ी है, दिल्ली की एक एक महिला खड़ी है, दिल्ली की एक एक बेटी खड़ी है, जो आपके दरवाजे पर आकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। अलजी साहब, आप कब तक बीजेपी की कठपुतली के तौर पर काम करेंगे? कब तक बीजेपी के इशारों पर काम करेंगे? आपको यही डर है ना कि अगर सीसीटीवी कैमरा लग गया तो एलजी साहब जो रोकना चाहते हैं वो फाइल अगर नहीं रुकी तो केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ये देश देख रहा है, ये दिल्ली देख रही है कि कौन बेटियों की सुरक्षा
सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए सड़कों पर है, और कौन सिर्फ जुमला और सिर्फ भाषणबाजी कर रहा है। जी साहब, मैं दिल्ली की चुनी हुई प्रतिनिधि, एक महिला भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, और ये साथ साथ एक प्रतिनिधि भी हूँ। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारी बेटियों की सुरक्षा में इस प्रकार से आप रोड़े ना अटकाए, इस प्रकार से सीसीटीवी फाइल को आप ना रोके, क्योंकि ये हर घर की बेटी का जो है सुरक्षा का मुद्दा है, हर एक महिला की सुरक्षा का मुद्दा है, हर एक छात्र छात्रा की सुरक्षा का मुद्दा है। आप सोचिए, हम लोग किस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? बेटियों के मुद्दे पर कभी भी राजनीति नहीं हो सकती। बेटियां इस घर की, इस दिल्ली की, इस देश का सम्मान है, और कहीं पर भी अगर निर्भया जैसा कांड होता है, गुड़िया जैसा कांड होता है, कठुआ जैसा अगर घटना सामने आती है, उन्नाव जैसी घटना सामने आती है, तो सिर्फ दिल्ली नहीं, देश का सर शर्म से झुकता है। और मैं आपसे बस एक गुहार लगाना चाहती हूँ कि हमारी बेटियों की सुरक्षा, दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम को रोकने के लिए, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए, आप हमारी सीसीटीवी की फाइल को जो है आगे मूव करें, और सीसीटीवी पर आप अड़ंगा ना अटकाएं। आप हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं, आज तक हम बर्दाश्त करते रहे, आपने हर मुद्दे पर राजनीति करी, लेकिन आज देश की बेटी होने के नाते, दिल्ली की बेटी होने के नाते, और एक चुनी हुई प्रतिनिधि होने के नाते, मैं बेटियों की सुरक्षा के साथ ये राजनीति, आपका ये अड़ंगा, ये आपकी रोक टोक मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम 3 बजे से आपके दरवाजे पर है, जब तक आप लोग हमसे, आप हमसे मुलाकात नहीं करेंगे और नहीं बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तब तक हम आप